बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर आज मना रही हैं अपना 45th बर्थडे, जिसके सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज उन्होंने शेयर की अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। आज वो भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उर्मिला का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1974 को मुंबई में। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस एक मराठी फिल्म झकोला से की थी, जो 1980 में आई थी। कलयुग, जो कि 1981 में आई थी, वो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। उर्मिला का शुरुआती दशक में जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उन्होंने 1983 में फिल्म मासूम से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। वहीं लीड एक्ट्रेस बनकर वो पहली बार 1992 में आई फिल्म चमत्कार में नजर आई। उर्मिला को फिल्में तो बहुत मिली, लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने उन्हें सुपरहिट एक्ट्रेस बना दिया। 1995 में आई इस फिल्म के लिए उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उर्मिला को फिल्म सत्या, पेंजर, जुदाई और कौम जैसी शानदार फिल्मों में देखा गया। 2014 में उनकी आखिरी फिल्म अजूबा आई थी। पिछले साल उर्मिला ने इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल में एक आइटम सॉन्ग से बॉलीवुड में अपनी वापसी की थी। शादी से पहले उर्मिला और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के अफेयर की भी खबरें खूब छाई थी। हालांकि दोनों के अफेयर को लेकर कभी बात नहीं हुई। बताया जाता है कि उर्मिला के करियर को टॉप में पहुंचाने में राम गोपाल वर्मा ने काफी मदद की थी। उर्मिला ने साल 2016 में कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मिर से शादी कर ली थी। उर्मिला ने गुपचुप तरीके से शादी की और उनके पति मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं। आपको बता दें कि उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात कॉमन फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई थी। मोहसिन अख्तर मिर कश्मीर के एक बिजनेसमैन और मॉडल हैं। उनका कपड़ों का बिजनेस है। यही नहीं, वो जोया अख्तर की फिल्म लव बाय चांस में एक्टिंग भी कर चुके हैं। मोहसिन और मनीष मल्होत्रा आपस में अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। मोहसिन 2007 में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे रनर अप रहे हैं। यही नहीं, मोहसिन मनीष मल्होत्रा के कई शो में मॉडलिंग भी कर चुके हैं।